कृषि विभाग नई भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी की बात करूं तो कृषि विभाग की भर्ती का इंतजार करें युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है क्योंकि हम एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जानकारी लेके आ चुके हैं। कंप्लीट जानकारी आपको छोटे मिलेगी कि क्या नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और किन किन पदों पर भर्ती आई है, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कंप्लीट जानकारी आपको थोड़ी मिलेगी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि भारत के किस राज्य में किस ग्रह जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग डेट के रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक नंबर पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी सेल भी यहाँ पर अवेलेबल इन द वेबसाइट फ्रॉम 28 जनवरी 2022 टू टिल 28 तारीख 2 2022 यानी 28 फरवरी 2022 11:59 PM तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी दोस्तों मैं साफ साफ कहूं तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन है यानी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 28 जनवरी यानी 28 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 28 फरवरी इसकी आपकी अंतिम तारीख रहने वाली है। यहां पर दो नंबर पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ, यहां पर साफ साफ बताया गया ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन कैन बी डन इन द वेबसाइट फ्रॉम 28/1/2022 टू 7/3/2022 यहां पर यह बताया गया। यानी मैं साफ साफ कहूं तो आप इतना समझ लीजिए आपके लिए केवल इतना ही जानना आवश्यक है कि 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन फाउंड डायरेक्टिव इन द यहां पर बताया रिस्पेक्टिव आर एलिजिबल टू सबमरी रिजेक्टेड आपका फॉर्म यहां पर बताया गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके जो ऑनलाइन आवेदन यानी कितनी आपकी वैकेंसी है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या और एप्लीकेशन फीस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको उसको फुल नोटिफिकेशन यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों मैं कंप्लीट यहां पर बता देता हूं, यहां पर आपको नीचे आ जाना है जहां पर कंप्लीट जानकारी यहां पर मिलेगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी जाएगी, तो मैं साफ साफ बता देता हूं इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं इसमें जो आपकी एज लिमिट है, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 साल रखी गई है। यानी आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है वो 38 यानी मैं साफ साफ कहूं तो 38 साल इसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यानी मैं साफ साफ कहूं 21 साल से लेकर 38 साल के बीच अगर आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और सरकार के रिजर्वेशन रूल्स के अनुसार इसमें SC ST OBC को इसमें आयु में छूट मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। यानी मैं साफ साफ कहूँ तो आपकी एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पर साफ साफ बताया गया, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आपको मिलने वाली जानकारी एकदम सही एवं सटीक यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपये रखी गई है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया इसमें आपको 500 रुपये है वो इसमें आपको पे करने होंगे। अब हम बात कर लें यहाँ पर आपकी वैकेंसी, तो मैं बता देता हूं यहां पर जो आपकी वैकेंसी है वो यहां पर आप देख सकते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट जो SC ST यहाँ पर इनको बताया वो अलग अलग है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये फुल नोटिफिकेशन आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर हम बात करें आपकी वैकेंसियों की यानी इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली है, दोस्तों हो सकता है आपको वैकेंसी कम लगे लेकिन आप मानकर चलिए अगर हमें अगर जॉब लगनी है तो हमारे लिए एक वैकेंसी भी बहुत होती है। यानी मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर हमें जॉब लगनी है तो एक वैकेंसी भी बहुत होती है, वरना 10-10, 15-15 हज़ार वैकेंसियों भी हमारे लिए कम पड़ जाती है। तो आप ये मानकर चलिए कि हमें जॉब लगना ही है तो आपके लिए दो वैकेंसी भी 2000 के बराबर है। अदरवाइज आपको ऐसा लगे कि भर्तियां कम है या फिर मैं साफ साफ कहूं वैकेंसी कम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर आप देख लीजिए जो आपकी वैकेंसी है वो यहां पर देख लीजिए, जनरल के लिए यहां पर आपको 62 वैकेंसी है जिसमें यहां पर सबसे बताया गया SC BC के लिए 14, SC के लिए 20 और ST के लिए यहाँ पर 27 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इसमें 123 रहने वाली है, यानी 123 वैकेंसी वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ये जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पर वो आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्प्लॉयमेंट यानी मैं साफ साफ कहूँ तो किसी विभाग में आई हुई है, डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट यहाँ पर साफ साफ बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साफ साफ बताऊँ तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैं साफ साफ बता दूँ इसमें पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल उसे अप्लाई कर सकता है। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूँ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मैं साफ साफ कहूँ अगर आपके पास BSc है
है, अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों बता दूं ये भर्ती कहाँ की है, मैं साफ साफ बता दूं इसमें जो आपकी अगर जॉब लग जाती है तो मैं साफ साफ कहूँ इसमें अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आपकी ओडिशा रहने वाली है। यानी मैं साफ साफ कहूँ तो ये भर्ती है जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो राज्य हो, आप इसमें भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं, यानी मैं साफ साफ कहूँ ओडिशा स्टेट से अलग स्टेट से आते हैं, तो आपको जनरल कास्ट में रखा जाएगा। यानी मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं और आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हैं तो आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें यानी उड़ीसा में आपको जनरल कास्ट में गिना जाएगा। उसके लिए आप है वो उसका कोई दावा नहीं कर सकते कि आप एससी एसटी या ओबीसी विभाग से आते हैं या फिर कास्ट से आते हैं। यहां पर मैं साफ साफ कहूं आपको कैसे अप्लाई करना है तो आप बता दूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो दी गई है opsc.government, इन इस साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है जो कि ऑफिसर्स के पदों पर है। ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। यानी दोस्तों आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर की आपकी भर्ती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।